नियम अगर छूट जाते हैं तो वहां फिर भगवान के प्रेम में कटौती हो जाती है। ठाकुर जी को नियम बड़े प्रिय महाराज, जैसे सूर्य प्रतिदिन सूर्य निकलेगा, आप सोते रहिए, उसका कार्य है निकलना। हर प्रकृति की हर चीज नियम में है और भगवान को नियम बहुत प्रिय है। जो संत और भगवत भक्त नियम में रहते हैं उनको प्रभु सिद्ध कर देते हैं। उनके हर कार्य, उनकी वाणी, उनका शरीर, उनका दर्शन सिद्ध हो जाता है। और जो नियम में नहीं रहते तो क्या होगा, भगवान भी कहेंगे तू नियम में नहीं रहता। भगवान को नियम बड़े प्रिय हैं। अरे हम मनुष्य ही एक ऐसे हैं जो नियम और मर्याद में नहीं रहते। पशु पक्षियों को देखें, हम रात्रि में शोर मचाते हैं, रात्रि में सोने का समय होता है। पक्षियों को देखा है, शाम होते ही सब अपने अपने घोंसले में जाकर मौन हो जाएंगे। उन्हें पता है रात्रि आ गई है, यहां बहला नहीं मचाना है। सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में वो 10-10 बजे नहीं उठेंगे, उठ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही, ची ची कल रव करेंगे, आपको जगाएंगे। हम मनुष्यों को देखो, रात्रि में उड़दंग मचाएंगे, नियम के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे। तो हर एक प्रकृति की हर एक चीज नियम में है, लेकिन मनुष्य विपरीत कार्य करता है। प्रभु को नियम बड़े प्रिय हैं। आप हनुमान चालीसा का, रामचरितमानस का, एक गीता पाठ का, एक अध्याय का, एक माला का, सूर्य को अर्घ देने का, कोई भी एक नियम उठा लीजिए और फिर उसका परिणाम देखें। अब बहुत से लोग होते हैं ना, सुबह सुबह उनका नियम है मंदिर जाना, ठाकुर जी का दर्शन करना, चाहे इधर से उधर कुछ हो जाए पर नियम नहीं टूटना चाहिए। कभी कभी दुविधा भगवान डाल देते हैं कि कोई ऐसी महान विपत्ति आकर सामने आ गई कि आप ये कहेंगे कि नियम छूट जाए। भगवान, आज तो हम बहुत दिन आते जाते रहते हैं, आज यहाँ अपने बेटे को देखना है, बस वहीं पर ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे होते महाराज कि आज का नियम छूटेगा कि नहीं छूटेगा तेरा। अगर आपने वहां पूरा कर दिया तो ठाकुर जी तुम्हारे महाराज, और वहां अगर कटौती कर ली, यही तो घड़ी होती है आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती, वहीं हम छूट जाते हैं। ऐसी अवस्था में ठाकुर जी याद आए, भले जितनी देर आप ठाकुर जी के समक्ष खड़े होते उतनी देर खड़ा भी ना हो पाए, क्षण भर ही दर्शन सही, लेकिन नियम पूरा करें। नियम में कटौती नहीं करनी चाहिए तो वो भक्त भगवान का प्रिय हो जाता है, फिर बंध जाते हैं प्रभु उसके साथ। इसलिए संत आदि नियम के पक्के होते हैं, नियम होना चाहिए, जरूरी है। भक्तों के जीवन में नियम होना है।